इसके सिलेबस की बात की जाए तो क्लास नाइन्थ में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो मोशन है, सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन है, फोर्थ चैप्टर आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, और फिफ्थ चैप्टर लास्ट चैप्टर जो है वो आपका साउंड है। क्लास नाइन्थ में टोटल पांच चैप्टर हम लोग को स्टडी करना है जो ऑलरेडी यहाँ पे आपको मैंने मेंशन कर दिया है। फिज़िक्स क्लास नाइन की फिज़िक्स मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक्स लेंगे इसका, बेसिक्स पढ़ने के बाद फिर हम मोशन पे आएंगे ताकि हमको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। बेसिक में बेसिकली हमको जो डिस्कस करना है गाइस वो साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस, साइंस के ब्रांचेस क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, और यूनिट एंड मेज़रमेंट क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है एक्चुअली, व्हाट इज साइंस? आप लोग क्लास सिक्स सेवन एट में साइंस पढ़ते आए हैं तो एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं साइंस में, उसको डिस्कस करना है आज। अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस जो है वो स्टडी है अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। साइंस क्या है? स्टडी है अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना विच इज़ ऑब्टेंड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, या आप कह सकते हैं साइंस इज़ ए स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल लॉज। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेविटेशन एक नेचुरल फेनोमेना है जिसको आइजक न्यूटन ने बताया, उसी तरीके से फ्लोटेशन एक नेचुरल फेनोमेना है जिसको आर्किमिडीज ने बताया। तो वो सब कब आए, कैसे आए, और एक्चुअली उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं उसके बारे में हमको साइंस में डिस्कस करना है। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है उसके पीछे क्या लॉजिक है, डे और नाइट का होना उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सब साइंस के अंदर में आता है। तो साइंस इज स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल लॉज। साइंस के क्लासिफिकेशन की बात की जाए, इट इज स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल लॉज। साइंस के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो साइंस बेसिक लेवल पे जो क्लासिफाई हुआ है, एक आपका हो गया लिविंग साइंस, एक नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस मींस बायोलॉजी, नॉन लिविंग साइंस मींस फिजिकल साइंस। बायोलॉजी का फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो दो ब्रांच है, एक है बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाए तो एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री। साइंस जिसको नेचुरल साइंस भी बोला जाता है उसको बेसिक लेवल पे क्लासिफाई किया गया है, एक है आपका लिविंग साइंस, दूसरा है नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस में जो स्टडी किया जाता है वो हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाता है। बायोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, और बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सबों को हम लोग किस में स्टडी करेंगे, बायोलॉजी के अंदर, लिविंग साइंस के अंदर।
बायोलॉजी का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, लिविंग साइंस है, जहाँ पे हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और जूलॉजी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एनिमल के बारे में। दूसरा है आपका फिजिकल साइंस और नॉन लिविंग साइंस। फिजिकल साइंस और नॉन लिविंग साइंस में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री। फिजिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के एक्सटर्नल पोर्शन के बारे में, सच एज मोशन है, फ्लोटेशन है, फोर्स है, इन सब को हम लोग फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर उसके इंटरनल पोर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, किसके, नॉन लिविंग थिंग्स के। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट इंटरनल पोर्शन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स सच एज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम केमिस्ट्री में डील करते हैं। क्लियर गाइज? अगर हम फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो थियोफ्रेस्टस हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो हमारे कौन है, एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु भी कहा जाता है। और फादर ऑफ फिजिक्स आइजक न्यूटन, एंड फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा साइंस के बारे में कि साइंस एक्चुअली है क्या, जो भी नेचर्स में है, नेचर में क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, उनके बारे में स्टडी किया जाता है। और उसको स्टडी को ईजी बनाने के लिए क्लासीफाई कर दिया लिविंग साइंस में, नॉन लिविंग्स में। लिविंग हो गया आपका बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी एंड जूलॉजी है दो ब्रांच, और एक है आपका नॉन लिविंग साइंस जिसमें आप, जिसको आप फिजिकल साइंस भी बोलते हैं, यह आपका हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्लियर गाइस? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, एक्चुअली होता क्या है, उसके बाद फर्दर हम लोग अपने जो सिलेबस है उस पर आएंगे। तब तक कीप रिवाइज योर सिलेबस, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।